disturbed and unhappy what had happened, Baladev Prabhu immediately said, "I will bring him back to life again." But the sages said, "No, no, what is done, what is done." And then his son, Ugrashrava, he benedicted him that he would actually hear all these pastimes. So Srila Gurudev, on this day, we can honor very profoundly in connection with this whole wonderful four-day festival we have. Srila Gurudev Ki Jai. Thank you for your good. रो रो करके मैया करे मैया बोली दाऊ बहुत खिजाए।
मोसे कहा था तुमको मोड़ ले लो तू का बच्चा सुधार जाए, तुमको किसी ने खरीद के ले आया बाजार से और तुम यहाँ पर आकर के दादागिरी करते सोचा कर बेटा। ये सुन के कृष्ण विचलित हो जाते, रोने लगते, मैया के पास जा करते, मैया मैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैया बार बार सिर पे हाथ रख कर कसम खाती है कि तू मेरा लाला मेरा प्यारा है, दाऊ के पास मत आना, दाऊ के सखाओं के साथ मिलकर के लवार हो गया तुम्हारे साथ ऐसा ही करते। तो बाल लीला से लेकर के और जो आगे की लीला जैसे कुलपत माधव मोटा जी बोले लीलामर धारण के द्वारा भी राधा माधव की लीला में सहयोग प्रदान करते हैं, अन्यथा उस लीला में कहीं न कहीं वो जो अद्भुत है जो वैचित्र्य है उसमें रस का विलय हो जाएगा और रस का उद्घर्ष होता है रसम सारस चमत्कार है और चमत्कार भी अद्भुत चमत्कार और अद्भुत चमत्कारी रूप से बलराम की कृष्ण की लीला को उनके रस को ऊपर को ले जाए। मानो कृष्ण प्रातः काल में गौचारण के लिए जा रहे हैं, अद्भुत स्वरूप है बरहा पीड़म नटवर जैसा की वर्णन आया है और अक्षर बलदाम सर पिता परमला पिता सख्या पशु जचो व्यस्त बलराम जी के कंधे पर अपने हाथ को रख करके जा रहे हैं, बड़े प्रेम से दोनों जा रहे हैं, सखा लोग पीछे पीछे है उनके तृप्तियों का बखान कर रहे हैं। रंधान बेनो अजय सुदया पुरयन गोप वृंद वृंदारण्यम स्वपद लग्नम प्राविश गीत गिर, इनके बंसी की अपनी ध्वनि अपने सौंदर्य स्पंदनम गति मतान पुलक सगुना वृंदावन को सब उथल पुथल कर रखे हैं, चेतन को जड़ जड़ को चेतन, पर्वत पिघल रहा है, जमुना जी के जल स्थिर हो चुका है, सबका स्वभाव विपरीत हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते क्या देख रहे हैं किसी निपुण मंडप के लता कोट में श्री राधे का निकट में बंसी में कुछ स्वर बजा रहे हैं, लेकिन जैसे उनकी दृष्टि उधर गई और उस समय श्री आनंद वृंदावन चंपू में श्री कंकन सूर्य बोलते हैं कि कृष्ण ने अपने सौंदर्य के द्वारा बेनी माधुरी के द्वारा रूप माधुरी के द्वारा पूरे विश्व को डुबा रहे थे, लेकिन जैसे उनकी दृष्टि राधिका की ओर गई और परहिस कटाक्ष निशीत बाने हरि हृदयं विदयं विनिर, राधिका ने पूरा हाव भाव के द्वारा बड़ा तिरछित ललित रूप से खड़ा होकर के चकित रूप से होकर के कृष्ण को देख रहे हैं और उसके साथ मन मुस्कान अशेष भाव तो बहुत आनंद करते हैं। उसमें जब कृष्ण को दृष्टिपात पड़ी कृष्ण की हृदय विगलित हुआ उसमें गिरने की अवस्था हो गई, वही मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन दाऊ जी ने उनको सहारा दिया, दाऊ जी को सहारा दे करके अपने को जैसे जैसे वहां से बचा करके बन तोड़ ले, नहीं तो इन माताओं का अगर आगे अगर मूर्छित आदि हो जाते तो सारे वो लीलाओं का जो पर्दा है वो फट जाता, पर्दा फास हो जाता, फिर वहां पर लीला को चमत्कार कष्ट नहीं हो पाता, वन को लेकर चले वन कृष्ण पहुंचे, लेकिन हृदय की स्थिति कुछ और है। लावण्यम परमाद्भुतम रति कला चातुर्यम अद्भुतम कांति काव्य पुनर अद्भुत अद्भुतम अजस्तम चातुर्यम साराधाद्भुत मूर्ति अद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यम, आठ मदस होकर के वन में कहीं किसी कदम के सहारे बैठ गए हैं, किसी समान के सहारे बैठ गए हैं और गौ जाने में मन नहीं लग रहा और गंगा जमुना जी को लहरियों की देखने की इच्छा नहीं, तो सबसे विलग होकर के एक योगी की तरह जाना सुबह गोचरण निमग्न है। गौरांगे मधुरिमा स्मिते मधुरिमा नयनाम चले द्राग इत्यादि जो हमारे आचार्य ने वर्णन किए, उस समय दाऊ जी से आदेश लेकर के क्या तुम गौओं को देखभाल करिए, मैं अन्न विसर्जन के लिए जाता हूँ, जहाँ पर जाकर अन्न लीलाओं को संपादन करते, जहाँ पर बलराम जी के सहायक सारे उनका दायित्वों को लेते हैं, तो ब्रज से लेकर के पहले सुन चुके द्वारका आदि और अन्य अवतारों में भी बलराम जी कृष्ण के लीलाओं में पूर्ण रूप से सहायता करते हैं। जब वो द्वारका गए मथुरा गए जरासंध आदि का आक्रमण तो कृष्ण बलराम जी के साथ गए, जब शाम का अपहरण हुआ तो उसमें कृष्ण आग बबूला हो गए, क्योंकि नारद जी आके बता गए कि आपके पास इतने पुत्र हो गए, इतनी संख्या बढ़ गई, किसी के हिसाब किताब नहीं रखे और एक आपका पुत्र गया हुआ था द्वारका और वहां पर कौरवों ने आक्रमण करके वो जबकि क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा था, लेकिन एक साथ सम्मिलित करके भीष्म द्रोण कर्ण आदि ने उनको बंदी बना दिया। कृष्ण आग बबूला पर बड़े मैं अधिक खबर लेता हूँ, लेकिन दाऊ जी रोक दिए आप लग जाइए। बलराम जी की विशेषता गुरु होने के कारण इनके हृदय में विशेष करुणा है,
भगवान से ये भगवान के भक्तों के विशेष करना इसने कार्य कहा कि यदि आप हमारे स्वरूप को नहीं सुधार सकते बैठे भगवान की जरूरत नहीं है भगवान ये कार्यम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रह की कृपा मन से तल विदेही न तो भगवान बोले कि मैं तुम्हारे स्वरूप को बदल सकता लेकिन स्वभाव को नहीं स्वभाव तो कोई हमारे प्रिय जन वही बदल सकते हैं क्योंकि उन्हें बहुत करना है तो बलराम जी सोचे अगर कृष्ण गए दुर्योधन के ऊपर आक्रमण कर दिए मार पीट करी तो मेरा जीत जाए जैसे मैं उससे स्नेह करता हूँ तो मैं ही जाकर उसको समझा इस कृष्ण को रोक दीजिए आप रुकिए मैं जाता हूँ मेरा बात सुन लेगा क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि जरूर बलराम दुर्योधन मेरी बात को मान लेगा लेकिन जब साहु जी वहाँ गए विश्वादी द्रोणाचार्य सब खड़े हो गए उनको स्वागत के सभी जानते हैं कि महिमा को फिर जिनके मस्तक पर एक कला तो संकर्षण कारण तो साई गर्भो दसाई तो भी साई कृष्ण जब चाल कला संगीतकार नंद राम सनंग ममास्तु जो विशेष ग्यारह कोटि ब्रह्मांड को जो 50 वर्ष विस्तार वाले ब्रह्मांड को मस्तक पर ऐसे धारण करते जैसे कोई सरसों की दाने को रखते तथा तो भाती ब्रह्मांडम इसलिए कृष्ण जी सभी ने इनके लिए स्वागत किया आरती आदि सजा करके उपस्थित हुए प्रणाम किए और बोले हे आनंद आपकी महिमा को हम क्या प्रखान कर सकते हैं हम आपके संरक्षण है और आपका जो आदेश है वो कहिए उस समय बलराम जी बड़े प्रेम हुआ बोले देखो हम लोग तो परस्पर संबंधी हैं हम लोगों का संबंध बहुत समय से चला आ रहा है और नहीं चाहते इस संबंध में किसी प्रकार का विच्छेद हो देखो क्षत्रियों का धर्म होता है कि कोई स्वामर्थ अगर अपहरण करे तो दोषी नहीं माना जाता तो हमारे भतीजे ने अगर कुछ ऐसा किया तो क्यों पर विचार न करके लक्ष्मणा के साथ और कन्या को विदाई कर दो हमारे भाई के पुत्र को विदाई कर दो इस बार मान करने बात तो सही है हमने असल तरीके से उसके पति को किया है युद्ध का नियम होता है एक व्यक्ति पर आक्रमण करे और हमने सब मिलकर कैसे कर दुर्योधन के कहने पर तो सब राजी होने लगे ठीक है आपकी जैसी इच्छा लेकिन दुर्योधन बीच में आके टपक पड़े बड़े नहीं मामा कहें दादाजी ऐसा नहीं हो सकता हम नहीं चाहते कि हमारा विवाह कुआरियों के बीच में हो हमारे पुत्री का विवाह वहाँ पर हो इससे हम लोगों का मान का हानि होता है हम लोग कितने प्रतिष्ठित हैं गुरु बंसी हैं और एक कहाँ बन में रहने वाले कभी ब्रज प्रसिद्ध थे कि वहाँ से मथुरा आए कि वहाँ से समुद्र में छूट करके छुप करके रहते हैं किस प्रकार से निंदा करें और दाऊद जी को भी आग उठा के बोले दाऊद भैया आप इस तरह से फनाशनाप न करें क्योंकि हमारी आपकी मित्रता और संबंध नहीं हो सकता क्योंकि कहाँ सिंह और कहाँ मेढक हम लोग कहाँ सिर पर विराजने वाले मूर्धन्य राजा है तुम लोग तो राजा भी हो द्वारका में रहते हो उग्रसेन को दूसरे पत्ते को राजा बनाए और खुद उसकी नौकरी करते हो ऐसे लोगों के साथ हम लोग संबंध करो विवाह का क्योंकि वैर और विवाह बराबर में होता है ये बात सुन करके दुर्योधन की बात सुन करके दाऊद जी को धक्के पक्के रह गए सोच ही नहीं सके कि दुर्योधन ऐसे अनर्गल पकेगा उसने बोले दुर्योधन क्योंकि लाभ का देवता बात से नहीं मानता मुझे कुछ दिखाना ही पड़ेगा तुम मेरे क्या समझ और मेरे क्या समझ चलो कुछ भी समझो मैं तो सह लूंगा लेकिन तुमने हमारे कृष्ण का अपमान किया और कृष्ण की महिमा सुन नहीं जानते जिसके समान कोई नहीं उससे अधिक कौन होगा स्वयं सुमिया स्वराज लक्ष्मण आप समस्त काम बलि लोक पाले किरीट कोटि किरीट पाल जी कृष्ण जहाँ पर बैठते वहां तक कोई नहीं जाता द्वारका में उससे 10-20 फुट दूरी पर उनके चरण चौकी है ना वहां पर ब्रह्मवासी और बड़े बड़े दीपपाल लोकपाल रोज जाके अपने मस्तक के मुकुट रख रख के प्रणाम करके बाहर लेके जाते हैं और तुम उसको कह रहे हो कि हमारे पैर के धूल एक पैर के जूते हैं और पैर के नीचे रहने वाला धूल भी पैर का घास तोड़ करके कभी मस्तक पे चढ़ जाता है इस तरह के अपना तो मुझसे सहा नहीं जाता मैं तुम्हारे देखते देखते पश्चिमापुर को समुद्र में और देखता हूँ यहाँ पर तुम्हारी कौन रचना करता है तुम जिस जिस द्रोणाचार्य की बातें करते हो वो तो हमारे कला के लोक रूप के बराबर भी नहीं हो सकते क्योंकि हमारे एक लोक रूप में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लगे थे तुम्हारे बचा लेंगे तुम पता करने आकर के हमको रोक लेंगे ऐसे बोलते दाऊद जी जीवन में अपने हाथ को लगाए एक ही छंद हस्तिनापुर चढ़ बगाने लगा अब गया कि तब गया दुर्योधन समझ गया कि
सब काम बिगड़ जाएगा चरणों में गिर पड़ा जाए आनंद हे प्रभु जय संकर्तन हे देव जय हो आपकी जय हो आपकी महिमा को नहीं जाए राम राम महाभवंश आप तो महान हो आपकी महिमा को पहुंच चरणों में गिरे और प्रेम पूर्वक अपनी कन्या को साथ के पास जिताए। इस प्रकार राम जी की लीला में लक्ष्मण रूप से अनेकों प्रकार से सहायता है। जिसमें राघवेंद्र जी जनकपुर की पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं वहां पर लक्ष्मण जी का बहुत विशेष योगदान है। लक्ष्मण जी साथ में है इसलिए राम जी हिम्मत करके पुष्प वाटिका में गए। दोनों भाई परस्पर बातचीत कर रहे हैं। राम जी को पता है कि जानकी जी का रोज यहाँ पर आगमन होता है और अभी नहीं तो कुछ क्षण आएंगे। राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में जाकर के कुछ फूल को चुन रहे हैं। गुरु जी की सेवा के लिए ले जाना है उनका नहीं चाह रहे हैं। राम जी पुष्पों को तोड़ते तोड़ते सुबह की प्रथम किरणें खिली। कुछ तो फूल खिल चुके थे कुछ किरणों से खिले और कुछ राम जी के सौंदर्य को देख करके खिले। क्यों खिले कि अभी नहीं खिलना था कब खिलेगा प्रभु अपने हाथों से मुझे जीव दे। राम जी फूलों को तोड़ रहे तोड़ते तोड़ते उनके बुखार में जो स्वयं की बूंद एक परिश्रम का बोध हो रहा है। और उस समय जानकी जी अपने साथियों के साथ वहां पर आए आयो उस वाटिका के मध्य जो सरोवर है उसमें स्नान के लिए उतरी क्योंकि सरोवर के उपरांत स्नान के उपरांत पुष्प चयन करके और गौरी की पूजा करी प्रतिदिन का नियम। उनके साथ कुछ पांच सात सखियां थी जो मनोहर गीत गा रहे थे। उसी में से एक सखी विलग हो गई और विलग होकर के पुष्प की सौंदर्य पुष्प वाटिका को देखने लगे। देखते देखते उन्हें राम जी का रूप को देखा साथ में लक्ष्मण जी को भी देखा। देख करके चकित होकर के जानकी जी के पास दौड़ी। मन में सोचे कि सौंदर्य मैंने तो देखा लेकिन मेरे जो भी नहीं तो जानकी के अनुभव यदि सौंदर्य की महिमा उनको सुनाया जाए तो जानकी और राम जी की यदि जोड़ी हो तो कितना सुंदर हो। इस बहाने राम बारम्बार हमारे जनकपुर को आए और हम लोगों को धन करेंगे क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए। आते जाते बस एक बार हमारी ओर देख के केवल मुख उड़ा जाए। मिथिला के लोग गाते हैं जब बारात आई कि मिथिला के नतवा से बड़ी गहरी शान है हम कहने चाही पाऊ जोगर जब पर ध्यान है हम के तो चाही पाऊ सुंदर मुस्कान है। ये जब आएंगे तो सुंदर मुस्कुराहट में हम आनंदित होंगे। वहां जाके बोलते श्यामल और कहो किमी बखानी गिरा अनयन नयन की निपानी। दोनों की महिमा को मैं नहीं कर सकते स्वयं जाकर के अपनी आंखों से देखो। आंखों ने देखा लेकिन बोल नहीं सकते जीवा बोल सकते लेकिन देख नहीं सकते। जब जानकी उनके कहने से आगे बढ़े तो पूछे हाय हो तो सखी बोलते दोनों राजकुमार उस वाटिका देखने आए। देखकर बाघ कुमार दोनों आए फूल लेने नहीं आए तो देखने आए। अगर बोले फूल तोड़ते हैं या किसी की सेवा करते हैं सर जानकी जी के मन में उनके प्रति कुछ ये भाव आए कि क्या राजकुमार जी के कोई सेवक नहीं स्वयं अपने सेवक तो बोले देखने आए हैं और बड़े सुंदर है। जब जानकी जी दर्शन को कंप्लीट होगी उसमें लक्ष्मण जी राम जी को सुंदर रूप से सजा गुरु तत्व भगवान राधा माधव को सजा करके उनके सौंदर्य माधव जी को बढ़ा करके उनकी महिमा को गा करके पूरे विश्व को आकर्षित करते हैं। इनको प्रेम इतने डूबे होते हैं उनको अपने सजाने को होश का कृष्ण को बोले तुम सज रहे कल उनको होश नहीं होते तो गण लोग ही उनको सजा करके राधा जी को सजा करके उसकी महिमा को कथा के माध्यम से तो कृष्ण सुंदर है। महेंद्र मणि मंडली मदा पिता की देह तुटी ब्रजेंद्र कुल चंद्रमा ये सब सौंदर्य माधव जी को गुरुदेव प्रकाशित करके जीव के अनर्थों को दूर करते हैं। आचार्य चय बपुसम पर गति भी रहे असुरों की दूर सारे अनर्थों को दूर करके और हृदय में स्वागति स्वागति मतलब उनका स्वरूप जो स्वरूप निश्चित है किंतु न श्रवण के कारण माया को फल जाने कर उसको भूल गए। जिस स्वरूप को विस्मृत हो गए उसको गुरु वैष्णव कथाओं के माध्यम से लीलाओं के माध्यम से स्मृति करा स्मृति पुनः विस्मित तत्व वर्तमान कुजोगी नाम ना विद्रत आलम्बर जो गुरु दर्शन आठ से समान है। ब्रह्मा जी पूछते हैं गुरुवा अर्घ उपनिषद चक्षुषा ते सुस्राम इति तरंती देव माया गुरु देवते हैं सूर्य के समान अर्घ गुरु के रूपि सूर्य के द्वारा उपनिषद चक्षु से देखो क्योंकि आंखें हैं लेकिन अगर सूर्य न हो तो दिखाई नहीं पड़ती अंधेरा होता है। इसके यदि गुरुजन न होते सारे लीलाओं के संबंध को महिमा को हम नहीं जान सकते। इसलिए बलराम जी बड़े दया करके पांच रूपों में शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जय गुरु पद प्रदर्शक गुरु महान गुरु अनंत गुरु के रूप में जीवों के अंदर उनकी इच्छाओं को भावों को संचार करते हैं। ऐसे गुरु गर्भ जन्म मारा परंपरा में वांछा कर सकते।
Gurave Gaura Chandraya Narukaya Kadal Krishnaya Krishnaya Kadal Shankarsana Parana Kaurushari Dharmodushari Chapayakti Shari Sesa Sajasya Sanityananda Namas भरत संहिता में बलदेव प्रभु जी का जन्म अगले छठ में जन्माष्टमी के बाद में जो छठ है उस समय हुआ दिखा और उसके अनुसार में ग्रंथ में सारे तरह बलदेव जी का जन्म और छठ को ही मनाया जाता है। किंतु हम लोग बलदेव जी का जन्मतिथि आज मनाते हैं कृष्ण से 8 फीट बड़े। जब भी हम लोग वर्ण संहिता के अनुसार में कृष्ण का जन्म बलदेव प्रभु का जन्म छठ मनाए तो कृष्ण करीब करीब लगभग 1 वर्ष बड़े होते हैं बलदेव। किंतु भागवत में लिखा है कि एक ही साथ में भूमि पर चलते हैं गिनते हैं, नामकरण दोनों का एक ही समय हुआ। यदि 1 वर्ष पहले बलदेव जी का जन्म हुआ तो नामकरण एक साथ में कैसे हुआ और किस प्रकार से एक ही साथ में रिंगन इत्यादि हाथों पर चलना ये सब संभव नहीं था। इसलिए हमारे तत्वज्ञ और हमारे संप्रदाय के वीर श्री रंजीत गोस्वामी जी ने यह अपने गोपाल चंपू में ये वर्णन किया। आज ही जैसे पूर्ण चांद निकलता है इससे उसी तरह से बलदेव प्रभु जी प्रकट कृष्ण का तत्व है सचित आनंद। बलदेव प्रभु जी सबके अधिष्ठात्र देवता है कृष्ण चित्त के और आनंद प्रहलादनी शक्ति का तीनों मिल करके तब कृष्ण तत्व कृष्ण प्रकाशित होते हैं। इनके तत्व के संबंध में रसानंद ब्रह्मचारी श्रीमान तीर्थ महाराज और सब लोगों ने वर्णन किया है। रामलीला में जब कृष्ण ने रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा जाओ सीता का वनवास किया उस समय में इनको बड़ा दुख हुआ। बिना किसी कारण के जिसको देवता और सब लोग ब्रह्मा जी तक शुद्ध बतला चुके हैं और उनको छोड़ रहे हैं सारा जीवन के लिए तो उनको भीतर से बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि अब से मैं छोटा भाई के रूप में नहीं आऊंगी जेल का आदेश पालन करना होगा, मैं बड़े भैया के रूप में आएंगे कि मैं जो आदेश करूंगा उनको पालन करना। इसीलिए कृष्ण लीला में वो बड़े भैया के रूप में आए। बलदेव प्रभु जी को जिन लोगों ने बताया कि किस प्रकार से ब्रज में शिंगा लेते हैं
और द्वारका में उनका अभिमान होता है देवकी और वसुदेव के नंदन देवकी और रोहिणी के देवकी के गर्भ में पहले आए पीछे तो वहां पर किस प्रकार से हल फसल लेते हैं और किस प्रकार से जीवों की खेती करते हैं और भूषण से पाषंडियों को दूर करते हैं और जीवों के हृदय में मानन करते हम कृष्ण लीला में ये देखते हैं बचपन से ही कृष्ण और बलदेव एक साथ किशोर लीला विभिन्न प्रकार की लीलाओं को कभी मतभेद नहीं देता किंतु जब द्वारका में गए तो कुछ मतभेद देखा जाता बलदेव प्रभु जी का दुर्योधन के प्रति कुछ स्नेह था वो बलदेव जी के प्रति वर्ष विद्वेष नहीं करता था क्योंकि कृष्ण अर्जुन का पक्षपात करते थे इसलिए उन पर वो उनका विद्वेष करता था और बलदेव जी जनकपुरी में उसको बता चुकर सिखलाया था इसलिए भीम से कम नहीं था तो वहां पर बलदेव जी की इच्छा थी कि हमारे शिष्य दुर्योधन के साथ में हमारी बहन की शादी हो सुभद्रा बलदेव जी के डर के मारे कृष्णा वसुदेव जी देव की कुछ बोलना नहीं चाहिए किंतु बलदेव जी इस पर दृढ़ थे कि हम इसी प्रकार से विवाह करेंगे और कृष्णा और ये सब नहीं चाहते उन्होंने अर्जुन से कुछ कहा कांस्य और वो बन गए त्रिदंडी और वहां पर बैठ गए और फिर प्रकाश से सुभद्रा का हरण किया ये माधव महाराज जी यहाँ पर एक मत है जब कृष्ण ने कहा कि आप कहते हैं कि सुभद्रा का ये हरण कर रहा है अर्जुन अरे कहाँ सुभद्रा का हरण कर रहा है सुभद्रा ही तो उसको रथ में लेकर के जा रही है और हरण कर रही एक यहाँ सुनामत ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में बलदेव जी वहां पर हठात उपस्थित हो गए जिस समय गदा युद्ध अंतिम युद्ध का चरण चल रहा था कृष्ण जानते थे कि कैसे मरेगा नहीं तो मार नहीं सकते भीम बलवान थे और वो गदा युद्ध में कुशल था बलदेव जी ने सीख लिया किंतु कृष्ण ने इशारे से देखा और भीम ने जंघे में मारा गदा युद्ध में नियम है कि कमर से नीचे न मारा जाए कमर से ऊपर नहीं मारा किंतु भीम ने तो मारा झंडे पर और उसी समय वो गिर पड़ा उस समय बलदेव जी दौड़ करके आए बहुत कारण है मैं अभी इसको मार डालू गदा देख करके एकदम तैयार हो गए और उसी समय में पड़ा भारी अन्याय यहाँ हुआ कदा हराइए ना किंतु आप उस दिन थे जब भीम को बिना कारण 20 साल रक्त दिया गया उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन बर्णावत नगर में रक्षा भवन में उनको जला देने की चेष्टा की आप उस समय अन्याय नहीं देखा द्रौपदी का चीर हरण हो रहा रजस्वला थी और उसके साड़ी को खींच रहा था दुशासन उस समय आप नहीं थे बोलने वाले फिर इसी तरह से और अपन बंधुओं को सात अवधियों
ने मिल करके मारा उस समय कहां थे बड़े प्रेम से उनको बतला क्रोध से नहीं बस उनका सिर झुक गया और वो चले गए इस तरह से वो समाप्त हुआ यहाँ भी मत देते ये मत भेद कृष्ण और बलदेव में हो क्यों जब एक ही तत्व है सभी कुछ है हाँ लीला के लिए यह नर लीला नर लीला में सब समय एक तत्व हो विचारों का ये जीत इसलिए थोड़ा सा मतभेद देखा जाता है किंतु ये भी कृष्ण की इच्छा है इस प्रकार से बलदेव जी का तत्व ये प्रकृति जब रहते हैं तो रोहिणी नंदन का भी मान है बोलते और नंद बाबा को भी अपना पिता समझते हैं उन्होंने कहा दिया है नंद बाबा और जब गोकुल से न ब्रज से नंदगांव से जबकि मथुरा में प्रवेश करते हैं तो कुरु घाट पर वहां पर अकुर को दर्शन देने के लिए जब वो स्नान करने जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि रथ में बैठे हैं कृष्ण बलदेव और मीटर लगेंगे वहीं से बलदेव प्रभु जी और कृष्ण ब्रज वाले लौट गए और यहां से बस देव देवती के मथुरा में आए वही वहां पर पहुंचे तो फिर बोलो जैसे कृष्णा अलग है तो गोपियों का विरह उनको द्वारका में क्यों हो रहा क्यों हो रहा जैसे विचित्र लीला है अब तो लोग समाधान अपने हृदय में करें आज समय बहुत हो गया अभी हमको गोवर्धन जाना है एक बात कहना है एक बार जटी महाराज जी हमसे मिले मायापुर में परिक्रमा के समय महाराज हम लोग अपने ब्रह्मचारियों को कहते हैं तो वो धोती पहन करके और क्या कुछ काचा काचा को बंद करके चलो किंतु आपके ब्रह्मचारी लोग हैं वो काचा खोल करके मुसलमानों जैसा लूंगी पहनते हैं तो हमको बहुत दुख होता है सब लोग ठीक रूप में आते हैं किंतु आपके ब्रह्मचारियों को देखता हूँ कि वही लोग ऐसा नहीं करते बड़ी लज्जा की बात है हमारे नाम पर वो लोग इस प्रकार से करते हैं कि आपके ब्रह्मचारी स्वेच्छा क्या है इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ आप लोग भी नियमों का पालन करके विशेष अवस्था में अस्वस्थ है वो आप बात अलग किंतु कहीं दूसरे मठों में जाने पर इस नियम का पालन हाँ मठ के अंदर भी जन्माष्टमी में रहेंगे इसके बाद